ये मदरबोर्ड तो पूरा डेड है, तो इसका पहले हम लोग चेक कर लेंगे, ये थिनर तो है ना, इसे साफा करके चेक कर लेंगे कहीं पर जला हुआ है कि नहीं है, और सबसे पहले टेस्ट करेंगे। और इसको मीटर को भी एक कंटेनर में रखना पड़ेगा, कंटेनर में रख के अगर कोई मॉस्फेट या कोई आईसी वैसी जला हुआ नहीं है ना, तो देखो अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे कहीं भी जला हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है सफा करने से बाद। ये सब खराब हो सकता है कभी कभी, ये सब है ना, ये सब खराब होने से भी डेड हो जाता है। तो ये सब चेक करने के लिए तुम ये नेगेटिव प्रॉप टू, नेगेटिव टू यहाँ पे लगाओ, ग्राउंड में लगाओ, ये भी ग्राउंड है, कहीं भी ग्राउंड में लगा के रखो, ये फिक्स, ये फिक्स है। तो ये जो है सब में देखो, दोनों साइड में बीप साउंड मारा गया, ये देखो एक साइड में बीप साउंड मारेगा, एक साइड में नहीं मारेगा, अगर दोनों साइड में मारेगा तो शॉर्ट है, नहीं मारा ठीक है। इसमें कुछ लगा हुआ है इसीलिए नहीं पा रहा है अच्छा से, इसका देखो दोनों साइड में पा रहा है ठीक है। लेकिन और एक बात है, कभी कभी प्रोसेसर लगा हुआ रहने से भी ना दोनों साइड में पाता है, प्रोसेसर को भी खोल देना पड़ेगा। ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर तो खोल देना पड़ेगा, प्रोसेसर लगा हुआ रहने से भी कभी कभी मतलब दोनों तरफ से शॉर्ट दिखाते हैं। प्रोसेसर खोल लो, उसके बाद में फिर से ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा, एक एक को देखना पड़ेगा। इसका चार्जिंग भी नहीं लगा रहा पूरा, मतलब डेड ही है, कुछ भी नहीं होता है ऑन करने से भी। दोस्तों देखिए, ये सोनी का जो लैपटॉप है ये पूरा डेड हो चुका था, सो हम लोगों ने इसको खोल के रिपेयर के लिए दिया है हम लोग का शॉप पे, तो हम लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं, रैम भी खोल लेंगे हम इन लोग, जो हमारे बोर्ड है इसका, उसके बाद फिर से ये प्रोसेसर को खोलो, हाँ प्रोसेसर को रख दो, प्रोसेसर को खोलने के लिए आप इसको घुमाना पड़ेगा थोड़ा, दूसरा स्क्रू ड्राइवर, खोलो, उठा के इस यहाँ पे रख दो, अभी फिर से चेक करो, बैटरी भी खोल देना नहीं तो शॉर्ट होने का चांस रहता है, उसका कनेक्शन खुला हुआ है होगा, हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड में किसी भी ग्राउंड में अच्छा सा एक तो ग्राउंड में लगा दो, यहाँ पे लगाने से भी होगा, मेरा तो कंटिन्यूटी में है ही, ठीक है, किधर भी नहीं बज रहा है, किधर भी नहीं बज रहा है। बीच का देखो, प्रोसेसर के आसपास या जो चार्जिंग आईसी है ना, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा कर रखना, कभी कभी तो दोनों साइड में बजा क्या नहीं ना, ना। ठीक है, अभी ये सब का ठीक है,
ये खराब है, देखो ये दोनों साइड में खराब है ना, मैंने दोनों साइड में भी सब बीप साउंड आ रहा है, मतलब ये शॉर्ट हो सकता है, श्योरली नहीं है, श्योर करने के लिए इसको खोल के देखना पड़ेगा मीटर से। ये भी सर दिखा रहा है, ये वाला देखो तो, ये वाला दोनों शॉर्ट दिखा रहे ना, थोड़ा सा यहाँ पे भी ये ठीक है। ये ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले ये बड़ा वाला को हम लोग खोल के देखते हैं, ये शॉर्ट हो सकता है, दिखने से ही लग रहा है थोड़ा सा काला काला जैसा हो गया है। इसको खोलेंगे तो SMT को ऑन करो, स्विच दिया हुआ है, खाली हीट होना पड़ेगा, हवा तो थोड़ा कम, इसमें थोड़ा पेस्ट थोड़ा सा, ना जले खाली ना, एक हाथ से ट्विजर का पकड़ो, और थोड़ा नीचे से दो, इसको हम लोग निकाल लिए हैं, देखो ये तो निकल गया, तो अभी कहाँ कहाँ शॉर्ट है फिर से देखेंगे, यहाँ पे तो निकल गया, ये तो मार्क हो गया, उसको बाद में टेस्ट करेंगे, फिर कहीं पे और शॉर्ट है क्या नहीं वो पहले फिर से वैसे ही टेस्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट था ना दो तीन, वो सब देखो तो अभी दोनों बाकी सब का दोनों तरफ नहीं दिखा रहा है ना, वो जल गया पूरा, आप भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। एक तो निकाल लिया, ये भी खराब दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे भी, शॉर्ट दिखा रहा है ना, इसमें एक मार्क करके रख दो, और दूसरा देखो ये भी शॉर्ट दिखाया ना,
कोई एक शॉर्ट होने से बाकी शॉर्ट साउंड कैसे चेंज हो गया। अभी सबको हम लोग खोल खोल के मीटर से नाप के देखेंगे। ये मीटर है कोई एक या दो ही मतलब खराब हो सकता है, सब तो एक साथ में खराब नहीं हो गया। एक दो खराब होने से भी शॉर्ट दिखाता है कभी कभी। तो ऐसे ही इसको रिप्लेस करने से, जो खराब है उसको रिप्लेस करने से ये ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, पहले जुड़े रहे हम लोग के साथ वीडियो अपडेट देखने के लिए।